कल दिनांक 7/11/18 को सुबह 10:45 के आसपास कुछ विदेशी नागरिक नेपाल भारत की सीमा को पार करते हुए भारत में दाखिल हुए, जिस पर एसएसबी की सर्च पार्टी द्वारा अपनी बॉर्डर आउटपोस्ट से पहले ही इनको रोका गया। वह जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि ये इनमें से 6 विदेशी नागरिक मूलतः चीन के रहने वाले हैं, वह इनके साथ एक नेपाली गाइड भी है। इनके पास नेपाल भ्रमण का वीज़ा मौजूद था, परंतु भारत भ्रमण का वीज़ा इनके पास मौजूद नहीं था। इस गतिविधि को जानने के बाद स्थानीय थाना रुपईडीहा पर इनको लाया गया। वह एसएसबी द्वारा एक लिखित सूचना दी गई। पूछताछ व अभिलेखों की जांच पड़ताल के बाद यह पाया गया कि इनकी गतिविधियां किसी भी कारण से संदिग्ध नहीं हैं। वह ये भ्रमण के दौरान सीमा को पार करते हुए इधर आए हैं। इसी क्रम में आज दिनांक 8/11/18 को इन सभी 6 चीनी नागरिकों को प्लस इनके जो नेपाली गाइड हैं उनको नेपाल पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है।